कि जैसा मैंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चार चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला तो जहाँ पर टूरिस्ट आना है उसका अट्रैक्शन, जैसे आज आप देख रहे हैं कितना अच्छा अट्रैक्शन है, ये हमारे सफ़ेद फूल खिले हुए हैं पिकॉट के। तो ऐसी ऐसी बहुत जगह हैं हमारे यहाँ लद्दाख। तो एक तो गुड प्लेस जहाँ पर हम टूरिस्ट आ सके, अट्रैक्ट हो, उसके बाद आने जाने का रास्ता और इंटरनेट, और तीसरा जो बहुत ज़रूरी है कि जब वो आए तो उसको रहने खाने पीने की जगह होनी चाहिए। तो ये होम स्टे वाला ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैं होम स्टे को दूंगा। और लास्ट पॉइंट है सुरक्षा, उसको कोई तकलीफ ना हो, किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो। तो ये चार जो चीज़ें हैं इसको मैं बढ़ावा दूंगा, और मैं समझता हूँ कि जो टूरिज़्म है लद्दाख में इतना स्कोप है, हम अगर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा इजाफा होगा। ये मेरा प्लान है, और उसके लिए जो भी हम मदद हो सकेगा फाइनेंशियल या लोकेशन का या जो भी, वो हम सब करेंगे। तो एयरपोर्ट के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वो मैंने जब स्टडी किया तो मुझे यह लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम को मैं ओवर रूल नहीं कर सकता हूँ, जैसे उनको कितना लेंथ चाहिए, कितना टर्न चाहिए, लेकिन जो हमारे छोटे हवाई जहाज़ हैं उनकी सर्विस बहाल है। जीओसी साहब यहाँ हैं, मैं कोर कमांडर से बात कर रहा था, आप हमको कभी भी कोई भी चीज़ जहाँ सद्भावना में कमी आए आप हमको डायरेक्ट चिट्ठी लिखो, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। देखो जो हमारे यहाँ फौज है यहाँ पर है, उसको जो सहूलियतें दी जा रही हैं वो किस लिए दी जा रहे हैं? आपके लिए। वो तो उनका खाना पीना उनका रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानियत है आर्मी की वो बढ़नी चाहिए। सद्भावना में मैं कमी आने नहीं दूंगा, मैं रक्षा मंत्री से बात करूंगा। आज के दिन में मुझे कन्फर्मेशन आई है कोर कमांडर की कि सद्भावना में कोई कमी नहीं है, और मैं खास तौर से इसके बारे में देखूंगा। सद्भावना तो बढ़नी है भाई, उसमें तो कमी नहीं आएगी, यह पक्का है।